हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल शिप्रा की छोटी दुनिया। आप लोग सोच रहे हो मेरा सांस क्यों ऐसा हो रहा है, मैं टेरेस पे आई हूँ इसलिए। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। सो बहुत अच्छा लग रहा है, छत पे बैठी हूँ, खुला आसमां और मैं। तो आज का जो व्लॉग है ना दोस्तों, वो है मेरा और एंडुड़ा, मेरे पति देव के शादी का, कि हमारा लव मैरिज था या अरेंज। वेट, पानी की बॉटल लेके आना चाहिए था मुझे नीचे से। तो बहुत सारे रिलेटिव्स को ऐसा लगता है, क्वेश्चन उठाया था मेरे रिलेटिव्स ने कि हमारा लव मैरिज है, बहुत लोग को लगता है हमारा लव है, कईयों को लगता है अरेंज है, बहुत कईयों को ही लगता है कि अरेंज है, जो हमें सब जानते हैं जिनकी वजह से शादी होने लगता है कि अरेंज है, बाकी सबको लगता है कि लव मैरिज है। तो मेरे रिलेटिव, दीक्षित जी के साइड के जितने रिलेटिव हैं, सबको ऐसा लगता है कि लव है। एंड नो डाउट कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि हमारा लव है, बिकॉज जिस तरीके से मतलब हम दोनों आज रहते हैं साथ में, या जिस तरीके से शादी से पहले बात करना और लड़ना झगड़ना सब कुछ था, वो मैं समझ सकती हूँ ये क्वेश्चन क्यों लोगों के अंदर आया कि हमारा लव है। और उससे भी मतलब अभी तो मैं आप लोग को एक बात सोची हूँ बताने का, कि शादी से पहले जो हम साथ में मिले थे उसके फोटोज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और तो दोस्तों द आंसर इज फाइनली दिस, कि हमारा है अरेंज मैरिज। और अरेंज्ड कैसे हुआ ये शादी, इसका भी एक बहुत लंबा स्टोरी है। जैसे कई लोग का शादी रिश्तेदारी में होता है, मेरी कोई शादी इनकी रिश्तेदारी में नहीं हुई, मतलब मैं इनकी कोई रिश्तेदारी में कुछ लगती नहीं हूँ। और शादी हमारी इस कदर हुई कि मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक इनके पास गया था एक लड़की के रिश्ते के लिए। मेरे चैनल पे, मतलब हमारी शिप्रा की छोटी दुनिया के चैनल पे एक वीडियो में एक लड़की आई थी और वो लड़की का रिश्ता आया था दीक्षित जी के लिए। तो दीक्षित जी को दिखाया गया कि ये लड़की है, और मतलब फ़ोटो तो दिखाया गया था, पर एक होता है ना कि इंसान का कैसे चल रहा है, कैसे खा रहा है, क्या पी रहा है, तो ये वीडियो में दिखता है कैसे बोल रहा है। तो उसने दिखाया जो था बंदा, उसने दिखाया कि ऐसे ऐसे ये लड़की है और इनके चैनल पर है। तो अनफॉर्चुनेटली मतलब कहते हैं ना, किस्मत से लिख के आता है शादी ब्याह। तो अनफॉर्चुनेटली शादी नहीं हुआ वहाँ, क्योंकि जो लड़की थी वो एज में छोटी थी, वहाँ शादी नहीं हुआ। देन फिर सेम बंदे ने बोला कि अच्छा ठीक है, जिसका चैनल है उनकी लड़की को देखो आप, ठीक है। स्वधा करके नाम है, ऑफिशियल नेम और निक नेम है उसका मोहिनी। तो ये देखे एंड इनको पसंद आ गई। फिर उस बंदे ने मेरे इन लॉज के पास, मेरे ससुराल में ब्लॉग बताया, मतलब ये लड़की है, और लिंक भेजा गया। तो लोगों ने मुझे देखा, दे लाइक मी, फिर पर्सनली सब मिलने आए मुझसे, और ऐसे हमारी शादी हो गई, मेरे और दीक्षित जी की शादी हो गई अरेंज। एंड ये बात मुझे कैसे पता चला, ये मुझे नहीं पता था कि हमारे यूट्यूब की वजह से मेरी शादी हुई है। सीरियसली मुझे नहीं पता था कि मेरी यूट्यूब की वजह से मेरी शादी हुई है। तो जब मेरी इनसे फ़ोन पे बात होने लगी तो इन्होंने बोला, तुम जानती हो मैंने तुम्हें क्यों पसंद किया? हाँ, क्योंकि मैं सुंदर हूँ इसलिए आपने मुझे पसंद किया। बोलते नहीं बुद्धू, मैंने तुम्हारा यूट्यूब चैनल देखा था तुम्हारी मम्मी का, और चैनल मुझे सबसे अच्छा तुम्हारी फैमिली लगी, जिस तरीके से वो लोग, तुम सब लोग एक दूसरे से, मतलब छोटी फैमिली पर जिस तरीके से तुम लोग एक दूसरे से सारी बात, ये कहना वो कहना, मतलब तुम्हारे घर का सब देख के, तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस देखा मैंने उसमें व्लॉग में। कोई भी व्लॉग में तुमने ऐसे ऐसे वैसे कोई कपड़े नहीं पहने थे, सीरियसली मैं आपको मजाक लगेगा, बट एकदम टचवुड जो ये इन्होंने बोला था मैं वही बोलूँगी, कुछ झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो इट वॉज लाइक कि तुमने कोई भी व्लॉग में ऐसे वैसे कपड़े नहीं पहने थे, और तुम्हारी फैमिली मुझे बहुत अच्छी लगी, दैट्स वाई मैंने सोचा ठीक है कर लेते हैं ऐसे शादी। मैंने कहा अच्छा, बड़ा एहसान किए, ऐसे करके मैंने बोला। और
फिर इनको मैं पसंद आ गई, मुझे ये पसंद आ गए, फैमिली के थ्रू नंबर्स मिल गया और वी स्टार्ट टॉकिंग, एक दूसरे का नेचर पसंद आ गया और शादी से पहले मिले ताकि एक दूसरे को और अच्छे से जान सकें। और फील नहीं होता है रिलेटिव्स को कि हमारा अरेंज है, क्योंकि लव की तरह हम दोनों एक दूसरे से बात करते हैं शादी से पहले भी, आप ऐसा नहीं, ये नहीं, आपको ये करना चाहिए, आप ऐसा नहीं, आपको वो करना चाहिए। तो ये वाला सीन था, उनका ही वही सीन था, नहीं सोचा तुमको ये ऐसा नहीं, ये करना चाहिए, ये नहीं, वो करना चाहिए। तो एकदम हक, एक जो अरेंज मैरिज में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन हो जाता है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे से कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी मतलब अनडाउटली कुछ कह देते हैं, कुछ भी मांगे, तो वैसा वाला सीन था हमारा। मैं इनको गुस्से में कुछ भी बोल देती थी, नहीं दीक्षित जी ऐसे नहीं ऐसा, वो मुझे बोल देते थे हक से, एक हक लगता था, मतलब अरेंज मैरिज होने के बावजूद एक हक लगता था। और इसका रीज़न ये है कि वी बोथ वर सेम, हम सेम थे और सेम हैं, मतलब हमारा नेचर थोड़ा बड़ा मिलता है हम दोनों का। और गुस्सा इनको भी आता है बट नॉट मोर देन मी, मुझे थोड़ा ज़्यादा अत्यधिक गुस्सा आता है, और अंडरस्टैंडिंग पर्सन है कभी कभी, नॉट एवरी टाइम। मैं हमेशा इनको समझ लेती, ये मुझे नहीं समझ पाते, वो समझते हैं, काफ़ी देर हो जाता है तब तक समझते समझते। बस एक ही इन्होंने आज तक अच्छाई की है मुझे लेके, कि वो मुझसे शादी की है। ठीक है दोस्तों, वरना कौन इनको मिलता ना, इसका भी एक अलग सीन था। और एक और मुझे आप लोगों को बात बतानी है, एक सीक्रेट रिवील करना है, वो मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में सीक्रेट रिवील करूँगी। एंड फ्रेंड, मुझे लगता है अरेंज हो चाहे लव हो, शादी तो शादी होती है, जितना आप उस रिश्ते को बॉन्ड बना लो उतना अच्छा है। और हाँ, मैंने और दीक्षित जी बना लिया, जब मैं इनके साथ अच्छे मोमेंट्स होते लगता है अरे यार अभी शादी हुई है, अभी तुरंत शादी हुई है, अभी 7 महीने, लगता है नहीं कि 7 महीने हो गए। और जब लड़ाई होती है तो लगता है ओह माय गॉड, जैसे शादी को हमारे 10 साल हो गए। सीरियसली बता रही आप लोग, दोस्तों मेरे सारे के सारे नाखून टूट गए काम की वजह से, मुझे बड़े बड़े नेल्स पसंद हैं, मेरे सारे बैचलर टाइम तक मेरे नेल्स पड़े रहते थे, अब टूट जा गए। एक तो मेरे पति 24 घंटे बोलते रहते भगवान करे तुम्हारा नाखून टूट जाए, भगवान करे मुझे चोट लग गया तुम्हारे नाखून से, मुझे चोट लग गया, ऐसा बोले मेरे सारे नाखून टूट गए। अब इसको एकदम छोटा छोटा कट के एकदम क्लीन करूँगी, फिर सोचती हूँ एक्सटेंशन लगाने का, एक्सटेंशन लगवा लूँगी, थोड़ा फोटोज वोटोज वीडियोज वीडियोज ऐसे दिखाने में मज़ा आएगा। वाह, लास्ट एक्सटेंशन मैंने लगाया था मैंने मेरी शादी में, उससे पहले एक्सटेंशन लगवाया था मैंने इंगेजमेंट में। और पता नहीं यार दोस्तों, आप ये चीज़ बिलीव कर मत, एक्सटेंशन का भी एक सीन था, जब तक मेरी बैचलर लाइफ थी मेरे नेल्स हमेशा बड़े रहते थे। ऐसा कहते हैं ना कि जब किसी फंक्शन में आप एक महीने से तैयारी करते हो कि आपको जाना है, आपके भाई की शादी में जाना है, आपके भाई की शादी में जाना है, बारात में ये करना है, उसी बारात की एक रात पहले आपको यहाँ पिंपल हो जाएगा। और ये होता है सीरियसली दोस्तों, ऐसा होता है कि जब आप कोई चीज़ सोच के रहते हो ना, उसी दिन फेस पे पिंपल निकलना होता है, वो पिंपल इंतज़ार करता है कि कब आप शादी में फंक्शन में जाओ। उसी तरीके से नाखून इंतज़ार कर रहा था कि कब सदा की शादी तय हो, मैं टूटना स्टार्ट करूँ ताकि इसका एक्सटेंशन का पैसा लगे। और देखो, इंगेजमेंट के टाइम भी टूट गया, 2 महीने का गैप था इंगेजमेंट शादी के बीच में, मैंने बढ़ाया, फिर शादी से पहले टूट गया, लो फिर एक्सटेंशन का गया पैसा। तो ना पता होता है, अभी मैं इतनी खुश हूँ ना, मेरा फेस इतना क्लीन है इस टाइम, देखो अभी गांव से आई थी, थोड़ा पिंपल हुआ था गर्मी की वजह से, फिर ठीक हो गया। अब अगर मुझे आजकल में कहीं जाना होगा ना, किसी फंक्शन में, किसी की शादी वादी में, तो यहाँ पे पिंपल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। एक और मैं आप लोगों को बता दूँ, पिंपल से याद आया, मेरे फेस पे कभी पिंपल्स नहीं होते, गर्मी में होते हैं तो हो जाते हैं। मेरे एंगेजमेंट के एक रात पहले पता नहीं कहाँ से घर में एक छोटा वो छुछुन्नर क्या कहते हैं मच्छर आ गया, और वो मेरे कहाँ काटा, कैन यू थिंक, यहाँ यहाँ दोस्तों। तो चलो काटता है मच्छर, पता नहीं चलता, मेरा वो मच्छर काटना इतना हैवली हो गया था कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, कितना भी मैं हाइड करना चाहिए मेकअप से, वो हाइड नहीं हुआ और मेरे सारे वीडियोस में वो दिख रहा है। ठीक है, ये तो इंगेजमेंट की बात थी। देन आई थॉट कि शादी में कुछ ना हो, कुछ ना हो, कुछ ना हो, कोई पिंपल ना आए। मैं बहुत, और शादी में ऐसा हो गया था ना दोस्तों कि लड़कियां अपनी शादी में खूब देर तक सोई रहती हैं, का शादी है कोई काम नहीं, क्योंकि कोई काम उनको करवाते नहीं है लोग। मेरी शादी में ऐसा कुछ नहीं था, कोई भाई बहन मेरे उठने के तैयार नहीं थे, अमर को छोड़ के सब अपना आराम से, सब क्या गद्दा लगा के नाच रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे,
अकेले मैं, माय गॉड, अपनी शादी में मैं इतना काम क्यों, मैं भूल नहीं सकती हूँ अपनी शादी, बहुत काम क्यों, क्योंकि कितना मम्मी पापा और हमारा अकेले करें ना, और सब बहुत, सब लोग मतलब एवरी वन इंजॉय इन माई वेडिंग, बट एक हेल्पिंग वाला होता है वो सीन किसी का नहीं था, तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का मुझे काम करना पड़ रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा था। वैसे तो हलवाई लगा था शादी के 4 दिन, तिलक के 4 दिन पहले से लेकर के विदाई के नेक्स्ट डे तक, मतलब मेरी तिलक थी 10 तारीख को, तो हलवाई लग गया था मेरा 6 तारीख को, और शादी थी मेरी 16 फरवरी, तो लगाई था, और विदाई थी हमारा 21 को, तो मतलब 10-15 दिन के लिए हलवाई थे, बट स्टिल घर में और भी काम होता है, बहुत ज़्यादा अमीरों वाला घर नहीं है क्या, हाँ बैचलर पार्टी ही होगा तो कोई काम नहीं, वेडिंग होगा तो कोई काम नहीं, बस अपना मेकअप करें, घर में बहुत काम होता है, सबसे काम तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि गेस्ट को देखना है, ये खाना, अरे खाइए वो करिए, तो बाहर हलवा ये मांग रहा है तो वो मांग रहा है, तो अरे बहुत बहुत सिस्टम था यार। और तो शादी के पहले भी कांड हो गया था दोस्तों, मैंने शादी के पूरे 1 दिन पहले तक नाखून नहीं टूटा था, और शादी जिस दिन थी उसी दिन मेरा नाखून टूट गया, जब पार्लर गई तब मैंने वापस से एक्सटेंशन लगवाया, ऐसा तो मेरा सीन था मेरी शादी के दिन, तो यही होता है। और ऐसा नहीं कि मेरी शादी में ऐसा हुआ, लोगों की शादी में तो बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, किसी की में पटाखा कहीं वो लग जाता है, किसी कपड़े में टेंट में, किसी का खाना कम पड़ जाता है, किसी में कुछ हो जाता है लड़ाई, पर बाई गॉड ग्रेस, बड़ों के आशीर्वाद की वजह से मेरी शादी बहुत पीसफुली बीत गई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, बहुत पीसफुली इन्होंने मेरे मांग में सिंदूर भरा, मतलब हर चीज़ एकदम शांति शांति से हो गया, थोड़े मोड़े अप डाउन्स तो सबके शादी में होते हैं, मेरा भी थोड़ा मोड़ा हुआ था, जाने दीजिए, और पर जैसे तैसे शादी बहुत अच्छे से गुजर गई। और यस दोस्तों, वापस से आई एम टेलिंग यू, हमारा अरेंज मैरिज है, रिक्वेस्टिंग ऑल द रिलेटिव्स कि किसी को ना लगे कि हमारा लव है, मैंने बता भी दिया कि यूट्यूब के थ्रू हुआ था, बाकी अब आप लोगों से मुलाकात होगी कल, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू शिप्रा की छोटी दुनिया, लॉट्स ऑफ लव, एंड हेटर्स को भी लव जो व्लॉग्स पे ऐसे से कमेंट करते हैं, और जो प्यार मोहब्बत देते हैं उन्हें तो बहुत 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 सारे प्यार, और ये खूबसूरत सा आसमां, और यहाँ खूबसूरत सा था। Bye bye friends. See you tomorrow.